नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन निर्माताओं का दावा है कि 150 रुपए की वैक्सीन में भी फायदा हो रहा है, तो फिर अलग अलग दाम क्यों रखे जा सकते हैं। दिल्ली सीएम ने अपील की है कि पूरी जिंदगी प्रॉफिट कमाने के लिए पड़ी है, ऐसे में राज्य सरकारों को भी कम दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही दिल्ली में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है उन्हें वैक्सीन कैसे लगेगी और कौन सी वैक्सीन लगेगी, इसको लेकर भी इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू हो रहा है। इस दौरान 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा। तीसरे चरण में राज्य सरकारें खुद वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन ले सकती हैं। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण से पहले सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के दाम का ऐलान कर दिया है। कोविशील्ड राज्य सरकारों को 400, प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में मिलेगी, जबकि कोवैक्सीन राज्य सरकारों को 600, प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में मिलेगी। हालांकि दोनों वैक्सीन को केंद्र सरकार को 150 रुपए में दिया जाएगा। वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र पर निशाना साधा है। जैसा हम देख रहे हैं, देश भर में कोरोना का बहुत जबरदस्त कहर छाया हुआ है और इस कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए।